आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ, आजादी हटाओ, आजादी बचाओ। गृह निर्माण संस्थाएं, चाल कमिटी, संस्था संगठन, मंडल आदि, मनपा, स्टेट डिपार्टमेंट की चाल व इमारतों में रहने वाले रहवासियों को 750 वर्ग फुट के घर मुफ्त दो। आदिवासी औद्योगिक व्यापारी इस्तेमाल यूजर के गाला धारकों को उनके इस्तेमाल यूजर में है उतने क्षेत्र के गाले मुफ्त दो। नए सिरे से सर्वे करें और सर्वे की आखिरी तारीख पात्रता तारीख निश्चित कर पात्र निवासी व अनिवासी झोपड़वासियों की सूची पहले जाहिर करें, उसके बाद ही प्रोजेक्ट शुरू करें। प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी देने हेतु मास्टर प्लान जाहिर करें। अदानी विश्वसनीय डेवलपर नहीं है, ऐसी जनभावना होने के कारण अदानी को हटाकर अन्य सक्षम डेवलपर को अपॉइंट करो। महाड़ा के माध्यम से पुनर्विकास का काम शुरू करें। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शेतकरी कामगार पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, आज़ाद समाज पार्टी, सर्व समाज जनता पार्टी, धारावी भाड़ेकरू महासंघ और धारावी की सहकारी। आज धारावी के लोगों का एक विशाल धरना डीआरपी के ऑफिस में जाने निकला है। पुलिस की इस मोर्चे को पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। लोगों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको साथ जमा होने का निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। ये बहुत वेलकम डिसीजन है। धारावी करो की लड़ाई पिछले 19 सालों की लड़ाई है और उनके इस हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हर धारावी का वासी यहाँ पे शामिल है। शेतकारी कामगार पक्ष के लाल झंडे के साथ धारावी करों को घर के बदले में घर मिले, मकान के बदले में मकान मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले, कोई भी उद्योगपति पूंजीपति आके धारावी की जमीन ना हड़पे, इसके लिए धारावी की गरीब आवाम, हर महिला और बच्चा बच्चा जमीन पर उतरा है। ये मांग लेके आज डीआरपी में देहरादून से ज्यादा पार्टी के डेलीगेट चर्चा करने के लिए जाएंगे। अदानी के खिलाफ धारावी की जनता ऐसी एक लड़ाई है और ये लड़ाई की जीत जरूर। लेकिन जो है ये जो आपने कहा घर के बदले घर मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, बाकी जो है और भी समस्या होती है कहीं ना कहीं जो है मतलब काफ़ी समस्या होती है, आप तो जान सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल भी हैं, तो कैसे उस समस्याओं को देखती हैं? धारावी के अलावा जो है धारावी विधानसभा है छोड़कर बाकी भी मुंबई महाराष्ट्र में कई ऐसे विधानसभा है सभा है जो इन लोगों को जो है काफी टारगेट किया जा रहा है, जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, कई लोगों को जो है आसारी का महारा का मामला जो है ज्यादा सामने नजर आ रहा है। Thank you.
सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सामने आते धारावाहिक धारावाहिक के अलावा भी काफी ऐसे मामले आते हैं जो लोगों को परेशान किया जाता है डेवलपमेंट को लेकर। धारावाहिक के लोगों को तो आजादी के बाद से अब तक परेशानी झेलना पड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आएंगे ऊंचे पूंजीपति लोग फायदा उठाने आज लड़ेंगे चोरों से। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ये अमीरों को तकलीफ नहीं होगी, जो गरीब लोग हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है उनको ही तकलीफ होगी। अगर सरकार और लोग मांगे पूरा नहीं करेंगे अरे इससे धारावी का 20 लाख की आबादी है। अगर बच्चा बच्चा घर से निकला तो 20 लाख की आबादी 20 लाख की जो आबादी है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको दिल्ली से फोर्स बुलाना पड़ेगा, मिलिट्री बुलाना पड़ेगा। तो इसे किस तरह से देखते हैं जब जो है धारावी के अलावा भी और भी विधानसभा में लोगों को प्रॉब्लम होती है? तो मैंने बहुत सारा चीज अभी देखो कांग्रेस वाला नहीं है हमारा इसमें, अभी एक भी कांग्रेस का झंडा नहीं है। लेकिन मालूम नहीं क्यों है कांग्रेस वाला नहीं है, क्या सेटिंग और फिक्सिंग हो गया वो मालूम नहीं हमको। लेकिन आज का इसमें कांग्रेस का लोग होना चाहिए था, लेकिन एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको दूर 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 तक नजर नहीं आएगा। देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा नजर आती है, इस बार क्यों नजर नहीं आई? लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेटिंग और फिक्सिंग हो गया लगता है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि सेटिंग और फिक्सिंग हो गया है क्योंकि यहाँ के सानी जो MLA वो दिख रहा ही नहीं है, यहाँ के जो नगर सेवक है कांग्रेस के कोई भी दिख रहा नहीं है। तो हमें आशंका है कुछ न कुछ दाल में काला है, पूरा काला है।